नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि 7 सही 8/11 धन 19 सही 1/11 ऋण 8 सही 7/55 ऋण एक्स बराबर 10 सही 6/11 हो तो x का मान है। यहाँ पर जो x दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। कितना दिया गया है? 7, यहीं से लिख लेते हैं। 7 सही 8/11 ये दिया है। धन 19 सही 1/11 ऋण 8 सही 7/55 ऋण x बराबर 10 सही 6/11 इतना दिया हुआ है। अभी इसे जो ऐसे वाला रूप दिया गया है उसे हम सीधा भिन्न रूप में ले आते हैं, अंश और हर के रूप में। तो हो जाएगा 11 7 77 और 77 और 8 जब हम करते हैं तब कितना आता है? आएगा हमारा 85। 77 और 8 तो ये हो गया 85/11। धन 11 * 209 और 1 कितना हो जाएगा? 210। तो ये हो जाएगा 210/11 ऋण 55 * 8 करेंगे तो 8 * 5 = 40 8 * 5 = 40 का 87 लगाया 4 * 8 = 40 तो ये हो जाएगा 440 और 440 में 7 जोड़ेंगे तो 447/55 ऋण एक्स बराबर 10 * 11 = 110 और 110 में 6 जोड़ेंगे तो 116/11 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का जब हम लघुत्तर निकालेंगे तो 11 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 85 * 210/11 ऋण 447/55 ऋण x बराबर 116/11 ये हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 210 में 85 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 295/11 ऋण 447/55 ऋण एक्स बराबर 116/11। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा 55। अब ये हो जाएगा गुना 5 और गुना 1 तो 5 * 5 = 25 का 5 हासिल आया 2, 5 * 2 = 45 और 2 * 47 का 7 हासिल आया 4, 5 * 2 = 10 और 4 = 14 1475 होगा ऋण, ये 447 ही रहेगा ऋण एक्स बराबर 116/11 ये हुआ। अब 1475 में 447 को हम घटा देते हैं तो क्या आएगा? 15 में से 7 गया तो आया 8, उसके बाद ये बन गया 6, 6 में से 4 गया 2, उसके बाद ये 14 में से 4 गया 10 तो ये हो गया 1028/55 ऋण एक्स बराबर 116/11 ये हुआ। अब उसके बाद हम इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। 1028/55 ऋण इसको इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा 116/11 और ये 100 उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे इसका लघुत्तम आएगा 55, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 55। अब 55 * 1 और 11 * 5 तो ये हो गया 1028 ऋण 6 * 5 = 30 का 0 हासिल आया 3, 6 * 5 = 30 का 0 हासिल आया 3, 5 * 5 = 3 = 8 और 5 * 5 = 5 580/55 बराबर 1। अब घटाते हैं कितना आएगा? यहाँ से 8 आया, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 8 में से 0 गया 8 और ये 12 में से 8 गया 4 और उसके बाद 9 में से 5 गया 4 तो 448/55 बराबर x। अब उसके बाद इसको हम तोड़ते हैं कितनी बार में जाएगा तो 55 यहाँ नीचे में रहेगा। अब 55 से जब हम भाग देंगे तो 55 * 8 करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 55 * 8 जब हम करेंगे तो 8 * 5 = 40 का 0 हासिल है 4, 8 * 5 = 40 और 4 = 44 तो होता है 440। तो 55 * 8 हो गया 440। अब 440 में से 8 जोड़ते हैं तब आता है 448 तो x बराबर आएगा 8 सही
8 बटे 55, 55 अट्ठे 440, और 440 में 8 जोड़ा तो आया हमारा 448, और यही है x का मान, ये है हमारी x की वैल्यू। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।